Cause I just wanna go, go, go to the deep end. I just wanna. इस वीडियो में फ्रेंड्स मेरे पास है सैमसंग का F34। अगर फ्रेंड्स आपके पास ये डिवाइस है तो मैं आज आपको बताऊंगा इस फोन की ऐसी स्मार्ट कॉल सेटिंग के बारे में जिसका यूज करके कॉल को आप स्मार्ट कर सकते हो। अगर आपको अपनी कॉल स्मार्ट करना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। आप अपनी डायलर को ओपन कीजिए, यहाँ थ्री डॉट पर क्लिक करके चले जाइए सेटिंग में। जब आप सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ कॉल बैकग्राउंड का एक ऑप्शन आपके सामने आएगा, आप इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ बैकग्राउंड के लिए क्लिक कीजिए। यहाँ फ्रेंड्स आप देख सकते हो चार वीडियोस आपको देखने को मिल जाती हैं जो कि कॉल आने पर आपको कुछ इस तरह से दिखेंगी। जब आपके फोन पर कोई कॉल्स वगैरह आती है तो वो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगी। इसके अलावा आप चाहें तो गैलरी से किसी भी फोटो या फिर अपने वीडियो को भी लगा सकते हो। इसके लिए प्लस के आइकन पर जाके आपको गैलरी सेलेक्ट करनी है और आपको उस फोल्डर में जाना होगा जिसमें आपकी वो वीडियोज है। तो यहाँ पहले एल्बम पर क्लिक कीजिए, आप उस फोल्डर में जाइए जहाँ आपकी वीडियोज है। अब जैसे कि मुझे ये वाला वीडियो सेलेक्ट करना है तो मैं इस पर इस तरह से क्लिक करूंगा। इसके अलावा यहाँ से आप किसी भी एरिया का अपने वो वीडियो ले सकते हैं। तो इसलिए आप सीजर आइकन पर पहले क्लिक कीजिए, किस एरिया का आपको वीडियो चाहिए वो आप यहाँ आके इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप डन करेंगे जैसे भी आपका ये ट्रिम होना शुरू हो जाएगा वीडियोस और आपकी कॉल बैकग्राउंड के लिए फिर ये रेडी हो जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे 100% होने के बाद मैं आपको बताऊंगा क्या प्रोसेस रहता है। तो यहाँ पे आपको इस तरह से दिखेगा ये वीडियो। अगर आप कॉल बैकग्राउंड को उसको सेट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ सेट एज कॉल बैकग्राउंड के लिए क्लिक कर लेना है। तो आपके कॉल आते समय ये कॉल बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा, ये वीडियो आपकी प्ले हो जाएगी। जब भी कोई कॉल आएगा तो ये वीडियो आपकी चल जाएगा ये कुछ इस तरह से, और कॉल आपको फिर इस तरह से देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा जो वीडियो आपकी चल रही है इसका आप ऑडियो भी यूज कर सकते हैं कॉल बैकग्राउंड के लिए, जिसके आपको इस फीचर को ऑन करना होगा। तो कॉल जो भी आपकी चलेगी और जो भी आपकी कॉल आएगी तो ये वीडियो चल रहा है बैकग्राउंड में, यही वीडियो आपकी रिंगटोन के लिए सेट हो जाती है। अब यहाँ पे किसी एक कॉन्टेक्ट के लिए एक वीडियो भी आप लगा सकते हो, ये तो आपको टोटली सभी नंबर के लिए आएगी। अच्छा है तो कोई वीआईपी नंबर वगैरह उनकी वीडियो केवल बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। इसके लिए आप कॉन्टेक्ट पर चले जाइए, इसके लिए कोई भी नंबर सेलेक्ट कर लेना है, कुछ इस तरह से आई बटन पर क्लिक करना है और आई बटन पर क्लिक करने के बाद एडिट पर क्लिक कीजिए। इसके बाद आप व्यू मोड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से स्क्रॉल करना होगा, आपको देखने को मिलेगा कॉल बैकग्राउंड। जब आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ से आपको परमिशन देनी होगी, इसको अलाउ कीजिए। बैकग्राउंड पर जाने के बाद किसी एक नंबर के लिए अब यहाँ से आगे किसी भी वीडियो को सेलेक्ट कर लीजिए, आपकी ये बैकग्राउंड केवल इस नंबर के लिए सेट हो जाएगी। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे आप ये भी सेट कर सकते हो। जो यूआई है सैमसंग का वन यूआई 5.0 इसमें ये अपडेट मिला है तो आप इसको इस तरह से ऐड भी कर सकते हो। सभी नंबर के लिए अलग अलग बैकग्राउंड आप लगा सकते हो। इस फोन में फ्रेंड्स आप वॉल्यूम का जो अप बटन रहता है इसको प्रेस करके कॉल को आंसर कर सकते हो। इस फीचर को ऑन करने के लिए थ्री डॉट पर क्लिक करके चाहिए सेटिंग में, ये देखने को मिलेगा आंसर एंड एंडिंग कॉल, इस पर क्लिक करके इस फीचर को आपको ऑन करना होगा। आपके फोन पर कोई कॉल अगर आप इसको आंसर करना चाहते हैं तो अप बटन को प्रेस कर दीजिए, कॉल आंसर हो जाएगी। इसके अलावा एक ऐसा फीचर रहता है जो भी कॉल्स वगैरह आएगी इस फोन पर आपकी, वो आपका फोन नाम लेके बताएगा कि इस नंबर से ही कॉल आ रही। तो इस फीचर को ऑन करने के लिए आपको रीड कॉलर नेम अलाउड ऑन करना है, तो आपका फोन ब्लूटूथ या फिर एयरफोन से कनेक्ट रहेगा तो आपके फोन बताएगा कि इस नंबर से ही कॉल आती है। तो इस तरह से अगर आप इसका यूज करते हैं तो बाइक वगैरह पर आपको ये वाला फीचर काफी काम आने वाला है। तो इस तरह से इस फीचर को ऑन करके बहुत आसानी से इस फीचर का यूज कर सकते हैं। इस फोन में पावर बटन को प्रेस करके कॉल को एंड कर सकते हो। इस फीचर को चालू करने के लिए इस फीचर को ऑन कर दीजिए, आप पावर बटन को प्रेस कराएंगे कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगी। तो इन फीचरों का यूज करके फ्रेंड्स इस तरह से इस फोन में आप स्मार्ट कॉल को कर सकते हैं, स्मार्ट कॉल अपनी बना सकते हैं। आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको वीडियो काफी अच्छी लगी होगी।